78 नंबर, इसमें हमें एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू a साइन bx प्लस ct प्लस d. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी सी डी. तो देखो बेटा, ये पहले तो पूरा डायमेंशन लेस होता है, इसको हटा दो तो y इज इक्वल टू ए बचेगा. y है डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट है तो कंपलसरी ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब L1. ये डायरेक्ट मिल गया. ये पूरा कैसा होता है? डायमेंशनलेस. बेटा ये पूरा डायमेंशनलेस है तो कंपलसरी ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो मैं लिख सकता हूँ बी एक्स इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो. एक्स को डिवाइड करो, बोलो बी इज इक्वल टू एल माइनस वन. सी टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. t को डिवाइड करो, t माइनस वन. एंड d तो खुद एक डायमेंशनलेस है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो. चलो सही है. आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी. a इंटू बी इंटू सी इंटू डी. a है l1, b है l माइनस वन, t माइनस वन, वो तो जीरो 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 ही है, ये कट हो गया t माइनस वन. बराबर.